मैं हरजी, आज हमारे जस्टम मेड में बनने जाना है कलकत्ता का झाल। काफी इंटरेस्टिंग रेसिपी है, हमें जो शाम की थोड़ी सी भूख लगती है उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन। और उसके लिए हमें एक भाजा मसाला रेडी करना होगा, जैसे कि भाजा मसाला। चलो फिर शुरू करते हैं। पहले हम एक मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गैस पर, और गैस हम लगा देते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे, सबसे पहले हम डालते हैं जीरा। 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया हुआ है, इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। स्लो फ्लेम पर भूनना है हमें इसकी खुशबू आने तक। अब जीरा हमारा भुना गया, इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 टीस्पून धनिया, सूखा धनिया, और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ, और इसे और एक है हमारे पास 3 इलायची, वो इसके अंदर डाल के इसको स्लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। इसकी खुशबू वैसे भी बहुत सी जीरा की आ रही है, तो मैं थोड़ा सा इसे भी भून लेती हूँ अच्छी तरह से। ये हमारे मसाले काफी अच्छी तरह से भुने गए, गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सी जार में इसका पाउडर सा बना लेते हैं। ये हो गया हमारा भाजा मसाला। अब ये हमारा रेडी हो गया, और इसके बाद हमें जो बाकी की तैयारी करनी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहला मैं इसका एक मसाला रेडी कर लेती हूँ। दाल भूरी बनाने के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी होती है। तैयारी करने के लिए के बाद हमें बनाने के लिए बहुत ही आसान रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ एक काला चना, उसी के साथ टमाटर, एक प्याज छोटा सा, ये है मूँगफली, नमकीन मूँगफली, ये हरी चटनी, और ये है हमारे नमकीन। उसी के साथ मैंने लिया हुआ है सेब, काला नमक, ये मेरे पास थोड़े से मटर है, व्हाइट मटर, उसको मैंने उबाल के थोड़ा सा ले लिया था, मैंने जो सब्जी बनाई थी उसके रह गए थे। ये है आलू, बॉइल्ड आलू है, और ये है कोकोनट, थोड़े से मैंने पीसेस करके ले लिए, और इसी के साथ नींबू मैंने एक ले लिया है, धनिया, और ये जो हमने बनाया था मसाला, ये जो हमने मसाला भी भून के रखा था भाजा मसाला वो बन। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है ये है आम का अचार का मसाला। जैसे कि ऊपर जो तेल ऊपर आता है, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, वो मैंने ले लिया है। अब सभी चीजें मैंने आपको दिखा दी है, और अब हम इसकी रेडी कर लेते हैं। और एक चीज है, वो है हरी मिर्ची, और उसी के साथ हम डालेंगे ये कुकुम्बर, जैसे कि ककड़ी। बस सभी चीजें रेडी हो गई है, बस अभी हमें बनाने के लिए काफी आसानी होगी। आपको बता दिए थे, एक इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको नहीं बताया, उसके बगैर तो हमारी झालमुरी बनेगी ही नहीं, वो है कुरमुरा। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल, मतलब जैसे आप एक बड़ा सा कप होता है ना, उतना मैंने ले लिया है कुरमुरा, आपको जितना चाहिए आप ले सकते हो। हम डालेंगे थोड़ी सी मटर इसके अंदर, उसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट, ककड़ी, मूंगफली, सेब, प्याज, काला चना। अब हम डालेंगे थोड़े से आलू। ये जो चना झोल गरम है, जैसे कि मिक्स है, ये इसके अंदर डाल दिया। थोड़े से टमाटर, उसी के साथ डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आपको जितना तीखा पसंद करते हो इतना डाल दीजिए। अब हम डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, उसी के साथ थोड़ा सा व्हाइट नमक, और जो हमने मसाला बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसी के साथ जाएगी ये हरी मिर्ची की चटनी, थोड़ा सा धनिया, और बाद में थोड़ा सा हम नींबू निचोड़ देते हैं इसके ऊपर। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स वो है, ये है मस्टर्ड ऑयल अचार का, ये हो गया मिक्स। बस अब हमें मिक्स करना है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देते हैं। ये हमारी झालमुरी रेडी हो गई है, काफी टेस्टी होगी ये। ये देखिए, अब इसे हम सर्व करेंगे। कोन बना के लिया, जैसे स्ट्रीट फूड में होता है ना, उस तरह से। अब इसके अंदर हम डालेंगे
की जो हमने झालमुरी बना के रखी है ये इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे भर दिया है। इसी के अंदर थोड़ी सी मूंगफली डाल देते हैं, उसी के साथ ये थोड़ा सा जो नमकीन है चना चूर गरम वो डाल देंगे, थोड़े से चने, उसी के ऊपर डालेंगे हम सेव और थोड़ा सा धनिया। बस इसे हमें इस तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए हमारी झालमुरी रेडी हो गई। ये काफी अच्छी लग रही है, आपको जरूर पसंद आएगी। ये हमारी झालमुरी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।